जिंदगी तो साला सबके साथ ही खेलती है, लेकिन असली प्लेयर वही चे जो जिंदगी के साथ खेले। दोस्तों, विद्युत जामवाल और नोरा फतेही की अपकमिंग फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का पहला टीजर और गाना दिल झूम रिलीज कर दिया गया। गाने में विद्युत और नोरा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। दोस्तों बता दें, विद्युत जामवाल फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा में नोरा फतेही के साथ पहली बार नजर आएंगे। फिल्म का पहला गाना रिलीज होने के बाद से उनके फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, क्रैक एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म होगी। दिल झूम गाने में विद्युत जामवाल और नोरा के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई है। बता दें, दोनों पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, उनके फैंस को ये जोड़ी खूब पसंद आ रही है। गाने की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि विद्युत जामवाल कार के सामने खड़े रहते हैं, सामने से नोरा हाथ में कॉफी लेकर आती दिखाई देती हैं। दोस्तों पूरे गाने में दोनों अपने स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बता दें, दिल झूम गाना पाकिस्तानी एक्टर सिंगर अली जफर के हिट ट्रैक झूम का बॉलीवुड रिमिक्स है। दिल झूम गाने को श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने गाया है। दोस्तों फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा के टीजर की शुरुआत डायलॉग जिंदगी तो सबके साथ खेलती है, लेकिन असली प्लेयर वही जो जिंदगी के साथ खेले से होती है। आगे विद्युत जबरदस्त एक्शन सीन्स करते नजर आते हैं, फिर चाहे स्केटिंग में फाइटर सीन हो या माउंटेन क्लाइंबिंग का थ्रिल टीजर में बखूबी देखने को मिला है। विद्युत जामवाल हमेशा से ही कमाल के स्टंट और एक्शन परफॉर्मर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही इनका मुकाबला कोई कर सकता है। दोस्तों टीजर में नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी नजर आ रहे हैं। एमी जैक्सन के हाथ में गन लिए कमाल की झलक दिखाई दी है, वहीं अर्जुन रामपाल और नोरा फतेही भी शानदार अंदाज में नजर आए हैं। दोस्तों एक बार फिर से कमांडो 3 के डायरेक्टर आदित्य दत्त और एक्टर विद्युत जामवाल साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में जाहिर सी बात है कि फिल्म में एक्शन, रोमांच, थ्रिल की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी विद्युत जामवाल हैं। दोस्तों फिल्म 23 फरवरी को विद्युत के प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म से तले सिनेमा घरों में रिलीज होगी। विद्युत जामवाल ने 19 अप्रैल 2021 में एक्शन हीरो फिल्म से नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, मैं वर्ल्ड सिनेमा में एक्शन हीरो फिल्म्स के पदचिन्ह को स्थापित करना चाहता हूँ। मेरा हमेशा साथ देने के लिए मैं जामवालियांस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जितनी मेरी उपलब्धि है उतनी ही उनकी भी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि विद्युत ने तेलुगु फिल्म शक्ति से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद साल 2011 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म फोर्स आई थी। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी विद्युत जामवाल के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।